देयर वॉज अ सेरिबैलर डिसफंक्शन इन अ पेशेंट। भाई एक पेशेंट में सेरिबैलर डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से उसकी कौन सी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही हैं, ये हमसे पूछा गया है। अब आपको इसका आंसर तभी पता होगा जब आपको पता होगा कि सेरिबेलम का क्या काम है। आपको अगर ये पता है तभी आप बताओगे। तो हम आपको बताएं, सबसे पहले तो जो ब्रेन है, ब्रेन में तीन हिस्से होते हैं, सेरिब्रम जो फोर ब्रेन है, फिर एक होता है मिड ब्रेन बीच का हिस्सा, फिर एक होता है हिंड ब्रेन पीछे का हिस्सा, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं। इसके तीन हिस्से होते हैं हिंड ब्रेन के, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला, ठीक है ना। अब हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, ये वेस्ट इमेज है। इस इमेज पे सीधा ध्यान दो, क्या दे रखा है यहाँ पे, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है बेसिकली आपका हिंड ब्रेन का हिस्सा है, अभी बताया मैंने। तो सेरिबेलम का काम क्या है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आंसर दो, तो आंसर क्या होगा बताओ। सलाइवेशन नहीं होगा, हंगर कंट्रोल नहीं होगा, पोस्चर और बैलेंस बिगड़ेगा या ब्लड प्रेशर बिगड़ेगा। भाई आंख बंद करके आंसर लगा दो, पोस्चर एंड बैलेंस की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमसे पूछा है ना कौन सी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, तो सेरिबेलम का इशू है तो पोस्चर और बैलेंस बिगड़ जाएगा। देखो कितना सिंपल है। अब स्नेल्स की बात हो रही है, इन स्नेल्स इंडिविजुअल कैन बिगिन लाइफ एज मेल एंड डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन दे कैन बिकम फीमेल एज दे ग्रो, दिस इज बिकॉज। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्नेल एक अनोखे जानवर हैं जो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कब मेल रहेंगे और कब फीमेल बन जाएंगे। तो यहाँ पर इनके सेक्स को हम जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो। एक कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर आप ऐसे ड्रॉ कर लो, तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ इंसिडेंट लेते हैं तो उसी पाथ से जो है रे वापस जाती है। इसके हिसाब से हम जानते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाएगा, तो इस केस में दोनों के बीच का एंगल होगा वो जीरो होगा, राइट। कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A ray passing through center of curvature and incident oblique, ठीक है। Next question, ठीक है, चलिए 14th question पे आ जाए। Choose the correct option, हमको यहाँ से सही option choose करना है, ठीक है। अगर white light आती है, ठीक है, और इस तरीके से ये जो आपको phenomena दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं dispersion, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जब डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है तो रेड सबसे ऊपर होती है और बी सबसे नीचे होता है। अब हमसे पूछा है कि ए और बी क्या हो सकते हैं। जब ब्लू और रेड की बात करें तो ब्लू को ऊपर दिखाया जा रहा है और रेड को नीचे, जो कि वेबजोर के हिसाब से गलत सीक्वेंस है। ग्रीन और येलो की बात करें तो ग्रीन को ऊपर दिखाया जा रहा है और येलो को नीचे, जो कि गलत है विबजोर पैटर्न के हिसाब से। और रेड और वायलेट में रेड ऊपर दिखाया जा रहा है, वायलेट को नीचे, जो बिल्कुल सही लग रहा है। और वायलेट और इंडिको में वायलेट को ऊपर और इंडिको को नीचे दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल। इसका ऑप्शन क्या होगा, रेड ऊपर वायलेट नीचे। 15th क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। The energy available to the producers is maximum. Maximum producers में energy क्यों होती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो plants हैं वो direct sunlight की solar energy को absorb करते हैं। Producers कौन है? Plants हैं। Producers मतलब plants। ये direct solar energy को absorb करते हैं sun से। So it is the first tropic level which absorbs 1% of light energy from the source. ठीक है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्लांट्स, और प्लांट्स डायरेक्टली सनलाइट एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं, और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। तो इट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच एब्जॉर्ब 1%, तो 1% नहीं है। इट यूटिलाइजेस मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट। मोस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी नहीं यूज करते। इट यूटिलाइजेस 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द रेस्ट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब 90% अगली ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचा दी जाती है, ये भी गलत है। इट ट्रांसफर्स ओनली 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ये
जो भी लाइट एनर्जी इनके पास होती है उसका 10% ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, 10% रूल है ये, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का रोल क्या नहीं है? तो देखते हैं भाई, वेस्ट डिकम्पोजिशन तो रोल है, तो ये तो हट गया। ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड रिमेनिंग भी हट गया, क्योंकि डिकम्पोजर्स ही सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं और उनका इसी तरीके से न्यूट्रिशन होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमको बताना है इनका रोल नहीं है। अब एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन नहीं देते, नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, सॉइल में खाद तो बनाते हैं भाई, डिकम्पोजिशन से ही खाद बनता है, राइट? तो ऑक्सीजन देने का काम इनका नहीं है, इनका काम है न्यूट्रिशन लेने का और भाई मिट्टी में ह्यूमस बना देने का काम डिकम्पोजर्स का होता है। ठीक है, चलो अब अजर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं कुछ, हमको यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, हमको ए बी सी डी में से बताना है कि ए मतलब बोथ ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फिर बी में दोनों ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, सी में ए ट्रू है आर फॉल्स है, और डी में ए फॉल्स है आर ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसमें एक्स सब्सटेंस है, तो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है जो पॉप साउंड करके बर्न होती है जब मैच स्टिक इसके पास लेके जाते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो एक्स है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे तो आपको आ चुका होगा समझ में, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की और मेटल की, दोनों में कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, एक्स यहाँ मेटल है, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बिकॉज एक्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। देखो मैंने बोला बिकॉज, मतलब रीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में, या एक्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब अजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, हाइड्रोजन पॉप साउंड करती है जब इसको मैच स्टिक के पास, बर्निंग मैच स्टिक के पास लेके जाते हैं, तो ये चीज भी प्रूफ हो रही है, मतलब सब कुछ सही है भाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। चलो 18 क्वेश्चन पे आ जाओ, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल एंड इन जर्म सेल इज नॉट सेम इन एनी स्पीशीज, भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल में और जर्म सेल में सेम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं और जर्म सेल में 23, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो, ये तो सही हो गया, करेक्ट हो गया। अब आर, व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन, जब दो जर्म सेल कंबाइन होते हैं तो वो रिस्टोर करते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पीशीज, जब दो जर्म सेल मिलेंगे डबल हो जाएगा 46 और एक नॉर्मल सेल है उसकी तरह शो होने लगेगा, जिसे हम जायगोट कहते हैं, जायगोट फॉर्म होता है जर्म सेल के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन, और इस जायगोट का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एक नॉर्मल सेल की तरह हो जाता है, तो दो जर्म सेल से एक सिंगल सेल बन जाता है, तो ये भी सही है। तो अजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन यहाँ पे रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये दो अलग अलग फैक्ट्स हैं। चलिए 19 पे आ जाओ, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, क्या कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बिहाइंड इमेज फॉर्म करता है? ये देखो इमेज, केवल दो ही ऐसे केसेस हैं जो आपको पढ़ने होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स मिरर में, और ध्यान से देखने वाली बात ये है कि दोनों ही केसेस में जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। अब दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, क्या ऐसा सही है? हम जानते हैं, अगर हमने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं आपने, तो प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ मिरर रखा होता है, मिरर के लेफ्ट साइड जो डिस्टेंसेज होती है वो नेगेटिव ली जाती है और राइट साइड की डिस्टेंसेज पॉजिटिव ली जाती है, इसीलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी, तो रीजन भी सही है, लेकिन इसका इमेज फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो अगेन मैं यहाँ बी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा, है ना, दोनों इंडिविजुअल फैक्ट्स हैं और जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, इफ लायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम फूड चेन इट विल नॉट अफेक्ट फूड चेन, यही गलत हो गया भाई साहब, ए इज रॉन्ग, कोई भी स्पीशीज जब एक्सटिंक्ट होती है, गायब होती है, तो वो इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करती है, तो ए तो रॉन्ग हो गया। अब आर पे आ जाओ,
प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट व्हाइल लायंस आर कंज्यूमर्स। ये तो सही चीज है भाई, प्लांट्स प्रोड्यूसर है और लायंस कंज्यूमर्स है। मतलब आर तो ट्रू है, ए फॉल्स है, पर ये डी ऑप्शन को जस्टिफाई करता है। ठीक है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए।